हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर लास्ट वीक हमने ओवरऑल लोअर लेवल से एक बाउंस बैक देखा। एट द सेम टाइम लास्ट दो वीक से हमने मार्केट्स को एक रेंज बाउंड मूव में ट्रेड होते हुए देखा है। तो फिलहाल बायस पॉजिटिव रख के चलना है। जिस तरह से लास्ट वीक में लोअर लेवल से रिकवरी आई है, उसको देखते हुए लगता है कि अगला हफ्ता 16,000 का लेवल क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अभी भी मार्केट एक सीमित दायरे में है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। The immediate support for Nifty is placed at around 15,600-15,700 levels. नीचे में जो support level है 15,600-15,700 के आसपास है। The same time, the resistance for Nifty is placed at around 15,900-16,000 on higher side. 15,900-16,000 का immediate hurdle और resistance है। ये level जैसे Nifty में cross होंगे, तो उसके बाद एक अच्छा upside move Nifty में हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और फिर 16,200 से लेके 16,400 तक के level हमें Nifty में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक सपोर्ट के पास आता है तो बाय बनता है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो और फ्रेश बाइंग बनेगा। आई थिंक मंडे को देखना होगा किस तरह से मार्केट्स रिएक्ट करते हैं और किस तरह से मूव देखने को मिलता है। बट फिलहाल आप लोग ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रखें एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप लोग होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल बायस पॉजिटिव रख के चलने में ही फायदा है। व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी, फ्राइडे के सेशन में हमने बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद कोई छोटा मोटा डिप आए तो उसके अंदर बाई करके चलना है। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी चलेगा और बैंक निफ्टी मेरे को लगता है इस बारी ज्यादा मजबूती दिखाएगा। कोई भी डिप आता है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करें। नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट है 34,700 एंड 34,500 लेवल्स, 34,500-34,700 ये नीचे में इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है बैंक निफ्टी के। 35,700 इज एन इमीडिएट हर्डल एंड रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। जैसे ही 35,700 का लेवल एक बार ऊपर में क्रॉस होगा, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा और 36,500 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आता है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बाय करके चले, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक आर लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स, वन कैन इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस। मेटल सेक्टर पूरा का पूरा मजबूत दिख रहा है। लास्ट वीक ये वीक हमने मेटल्स के अंदर लोअर लेवल से बहुत अच्छा रिबाउंड देखा। टाटा स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, नेल्को, सेल, वेदांता, ये सारे स्टॉक्स के अंदर लोअर लेवल से बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। आई थिंक अगले हफ्ते भी ऐसा ही मूव देखने को मिलेगा, तो आप लोग मेटल्स में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, नेल्को, ये सब स्टॉक्स चार्ट्स के ऊपर अच्छे दिख रहे हैं, तो इनके अंदर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करें। इस वीक के लिए इतना ही। इंडेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का बात हो गया। At the same time, we have given stock specific and sector specific view. तो ध्यान रखिए, अपने आप को एक्टिव रखें मार्केट्स में, कि ये जो रैली देखने को मिल रही है, ये ऐसी रैली बार बार नहीं आती है। एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिल रहा है। 5-5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं ऐसा इतना बड़ा बुल रन देखने के लिए। तो जब इस बुल रन में अगर आपको देखने को मिल रहा है और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऐसे बुल रन का कोई फायदा नहीं होगा। पार्टिसिपेट करें, दूर ना रहे, स्ट्रेटेजी बनाए, प्रॉपर एवरेजिंग करें, प्रॉपर लेवल्स के साथ काम करें। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो एक अच्छा सा ब्रोकिंग हाउस में एक अच्छे से एडवाइजर के साथ जुड़िए, अच्छे से रिसर्च एनालिस्ट के साथ जुड़िए और अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिए, पोजीशंस लीजिए। लेकिन रेगुलर गाइडेंस का बहुत जरूरी है। जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, आप आगे अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। इतना ही आज के लिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।